हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई फाई स्टडी विच इज द पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो आप सभी का स्वागत है। जल्दी से ही सभी सेशन से जुड़ जाएगा, साथ ही सेशन का बाकी स्टूडेंट्स के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा कि वह सभी भी क्लास से जुड़ जाए। और एक बार मुझे बता दीजिएगा सभी कमेंट्स करके कि वॉइस वगैरह आप सभी को क्लियर है। सो फिर भी हम लोग क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। चलिए, सभी को वॉइस वगैरह अगर क्लियर है तो भाई हम लोग क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हुए चलते हैं। चलिए, सो आज की जो क्लास है इसमें हम लोग करने जा रहे हैं ऑल अबाउट हाइकोर्ट्स के बारे में, जो अभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं कुछ की पॉइंट्स, हाईकोर्ट से रिलेटेड हम लोग कुछ की पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। अभी ठीक है वॉइस? वॉइस ठीक है? अभी वॉइस ठीक है क्या? ओके, तो देखिएगा जरा यहाँ पर जल्दी से क्या हो जाएगा, जिसमें कि सबसे पुराने हाईकोर्ट, तीन हाईकोर्ट रहे हैं, कलकत्ता हाईकोर्ट एंड बॉम्बे हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट, जिसमें कि कोलकाता हाईकोर्ट जो कि है यह सबसे पुराना है। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम न्यूएस्ट हाईकोर्ट की बात करें सबसे नई हाईकोर्ट के बारे में, सो यह है आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट जो कि अमरावती हाईकोर्ट है। इसे स्टैब्लिश किया गया था 2019 के टाइम पर। ठीक है, याद रखिएगा 2 जून 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग अलग हुए थे, जिसकी वजह से जो कि आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट था जो कि हैदराबाद में था वह तेलंगाना के साथ में चला गया था। एंड इन्होंने अपना 25th नंबर का हाईकोर्ट बनाया है। सो अभी टोटल भारत में 25 हाईकोर्ट है। ठीक है, लार्जेस्ट हाईकोर्ट की बात कर लेते हैं, सो यह है इलाहाबाद हाईकोर्ट। कैसे, यहाँ पर जजिस की जो कि पीठ है कितनी है, 160 है। कितनी है? 160 यहाँ पर टोटल जजेस हैं। स्मॉलेस्ट हाईकोर्ट की बात कर लेते हैं तो सिक्किम का हाईकोर्ट सबसे छोटा है, जिसमें कि सिर्फ 3 जजेस ही यहाँ पर बैठते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब जो जजेस हैं इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, नियुक्ति कैसे होती है, तो जो कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, है ना, इनकी जो नियुक्ति होती है यह राष्ट्रपति जी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सलाह पर, यानी कि उनसे एडवाइस के तौर पर इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। ठीक है, इसके साथ ही अन्य न्यायाधीशों की जो कि नियुक्ति है यह राष्ट्रपति, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के जो कि मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनके द्वारा की जाती है। अब इनकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो भाई ये भारत के नागरिक होने चाहिए। इसके साथ ही इन्होंने एक या फिर एक से ज्यादा हाईकोर्ट में वकालत की हो, अधीनस्थ न्यायालयों में इन्होंने, यानी कि यहाँ पर एटलीस्ट 10 ईयर्स तक इन्होंने सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में यहाँ पर 10 वर्षों का कार्यकाल यहाँ पर अपना रखा हो। अब इनके टेन्योर की बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा। सो पहले क्या था, पहले 60 वर्ष की एज तक यह है हाईकोर्ट के जज रहते थे, बट 15th नंबर का जो कि अमेंडमेंट हुआ था 1963, इसके अनुसार इनकी रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स कर दी गई एंड 5 ईयर के लिए यह यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, इनकी सैलरी की बात कर लेते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो कि यहाँ पर रहते हैं, सॉरी, तो इनकी 2,80,000 इनकी सैलरी होती है। बाकी के जो अदर जजेस होते हैं 2,50,000 इनकी सैलरी होती है। ठीक है, इसके बाद एक बार हाई कोर्ट के बारे में यहाँ पर देख लीजिएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पर 25 हाई कोर्ट है, जिसमें कि बॉम्बे हाईकोर्ट है 1862 में स्टैब्लिश किया गया था, जो कि महाराष्ट्र, दादरा एंड नगर हवेली, दमन और दीव और से इसके साथ ही गोवा, इन तीनों के लिए लगता है बॉम्बे हाईकोर्ट। कोलकाता हाईकोर्ट को 1862 में स्टैब्लिश किया गया था, यह वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार के लिए लगता है। मद्रास हाईकोर्ट 1862 में स्टैब्लिश किया गया था, तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी के लिए मद्रास हाईकोर्ट लगता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट को 1866 में स्टैब्लिश किया गया था, उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट।
कर्नाटक में 1884 में स्टैब्लिश किया गया था एंड यह कर्नाटक का हाईकोर्ट है। गुवाहाटी हाईकोर्ट की बात कर लेते हैं, सो यहाँ पर 1948 में स्टैब्लिश किया गया था। असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट लगता है। पटना हाईकोर्ट 1916 में स्टैब्लिश किया गया था, यह बिहार का हाईकोर्ट है। ओडिशा का हाईकोर्ट 1949 में स्टैब्लिश किया गया था, सिर्फ ओडिशा के लिए यह लगता है। राजस्थान का हाईकोर्ट 1949 में स्टैब्लिश किया गया था, राजस्थान के लिए लगता है। मध्य प्रदेश का 1956 में स्टैब्लिश किया गया था, मध्य प्रदेश के लिए लगता है। केरल का 1958 में स्टैब्लिश किया गया था, यह केरल और लक्षद्वीप दोनों के लिए लगता है। गुजरात का 1960 में सिर्फ गुजरात के लिए, दिल्ली का 1966 में सिर्फ दिल्ली के लिए, और हिमाचल प्रदेश का 1971 में सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिए लगता है। ठीक है, द नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट पंजाब एंड हरियाणा का जो कि हाईकोर्ट है, यह है 1975 में स्टैब्लिश किया गया था एंड यह पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों के लिए ही यहाँ पर लगता है। सिक्किम का हाईकोर्ट 1975 में स्टैब्लिश किया गया था, सिर्फ सिक्किम के लिए लगता है। छत्तीसगढ़ का 2000 में स्टैब्लिश किया गया था, छत्तीसगढ़ के लिए लगता है। उत्तराखंड का 2000 में स्टैब्लिश किया गया था, उत्तराखंड के लिए लगता है। झारखंड का 2000 में स्टैब्लिश किया गया था, झारखंड के लिए लगता है। त्रिपुरा का 2013 में स्टैब्लिश किया गया था, त्रिपुरा के लिए। मणिपुर का 2013 में स्टैब्लिश किया गया था, मणिपुर के लिए। मेघालय का 2013 में स्टैब्लिश किया गया था, मेघालय के लिए। तेलंगाना का 2019 में तेलंगाना के लिए एंड यहाँ पर आंध्र प्रदेश का 2019 में सिर्फ आंध्र प्रदेश के लिए लगता है। साथ ही जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो कि सेपरेट हुए थे, कब सेपरेट हुए थे, यह कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ओके, मैं थोड़ी देर के लिए ब्राइटनेस को कम कर देती हूं। अभी आप लोगों को कुछ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे देख लीजिएगा, बट मैं आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ूंगी अभी। ये हाईकोर्ट है, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में अपने नोट्स बना लेना। दिखा देती हूँ फिर से एक बार, ठीक है। बॉम्बे हाईकोर्ट का जिन जिनके राज्यों के लिए लगता है वो पूछा जाता है आप लोगों से, एंड ये भी, एंड यहाँ पर ये स्लाइड भी, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में अपने नोट्स बना लीजिएगा। चलिए, देन नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं आगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में, अभी ब्राइटनेस को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ताकि मैं आप लोगों को दिख जाऊं, अदरवाइज मैं आप लोगों को नहीं दिखाई पड़ूंगी, मैं मिस्टर इंडिया बन जाऊंगी। चलिए देखिएगा, यहाँ पे अभी 2000 जितने भी मैं आज आप लोगों को करा रही हूँ, ये सभी वो है जो कि 2023 में अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, देखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे के नए यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जिनका नाम है देवेंद्र कुमार उपाध्याय। द नेक्स्ट है केरल हाईकोर्ट के बने हैं यहाँ पर न्यायमूर्ति, जिनका नाम है आशीष जितेंद्र। इसके साथ ही तेलंगाना के हाईकोर्ट के बने हैं मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम है आलोक आराधे। त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जिनका नाम है न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह। गुजरात हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है सोनिया जी गोकानी। गुवाहाटी हाईकोर्ट के लिए न्यायाधीश बनी है न्यायमूर्ति संदीप मेहता। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए जो कि एक ही हाईकोर्ट है, यहाँ पर न्यायमूर्ति नोंगमे कापम कोटेश्वर यहाँ के बने हैं चीफ जस्टिस। इसके साथ ही झारखंड के अभी 14th नंबर के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जिनका नाम है न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा। तो ये कुछ यहाँ पर जजिस रहे हैं जो कि अभी 2023 में ही मुख्य न्यायाधीश के यहाँ पर जजिस बने हैं। क्लियर है? सो ये यहाँ पर आपकी लास्ट स्लाइड रही है। इसके साथ ही भाई एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को, जो कि मैंने अभी क्लास में ही आप लोगों को पढ़ाया है, उससे एक क्वेश्चन आप लोगों का मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। आप लोगों को ये बताना है कि वह कौन सा हाईकोर्ट है जो मैक्सिमम स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी के लिए लगता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को होमवर्क में करना है, ठीक है। सभी के सभी ऑफलाइन कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। एंड इसके साथ ही भाई डेली अपनी सुबह 7 बजे की जो कि करंट अफेयर की क्लास होती है,
सभी के सभी करंट अफेयर की क्लास से यहाँ पर जुड़ जाया किया कीजिए। डेली सुबह में अपनी 7 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है और आप सभी सुबह 7 बजे की करंट अफेयर की क्लास से यहाँ पर जुड़ जाएंगे, ठीक है। क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा एंड कल भी आप लोगों की करंट अफेयर की क्लास रहनी है। आप लोगों को सभी करंट अफेयर की जो की क्लासेस हैं यह होम पर ही आपको मिल जाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक कवर नहीं की है कवर कर लीजिएगा और कल सुबह भी 7 बजे की करंट अफेयर की क्लास से जुड़ जाएंगे आप सभी मेरे साथ। बाकी 10 मिनट का जो कि शो है ये अब डेली अपना सेशन रहेगा। ये जो सेशन है 7:45 PM ये डेली रहेगा। कल देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ में हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही भाई आप लोगों के लिए 27 अक्टूबर को आपके लिए यहाँ पर टॉप फैकल्टीज जो की है अनअकैडमी एप्लीकेशन पर उनके साथ में आपके सेशन रहेंगे। तो आप सभी 27 अक्टूबर को अनअकैडमी एप्लीकेशन से यहाँ पर स्पेशल सेशन को अटेंड करने के लिए जरूर जुड़े। साथ ही आप लोगों के लिए जो कि ऑफर है सब्सक्रिप्शन का, यह 6 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया है। अब आप लोग 12 मंथ + 3 मंथ भी इसमें आप लोगों को एक्सटेंशन ऑफर मिलेगा एंड 2,813 रुपीज में आप लोग यहाँ पर अपने बैच को ले सकते हैं। इसके लिए आप लोग मेरे कोड को यूज कीजिएगा जो की है SOOTY। साथ ही आप लोग 24 मंथ्स में 6 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री पा सकते हैं जिसमें कि आप लोग 4,219 रुपीज में आप लोगों को यह सब्सक्रिप्शन यहां पर मिलेगा। 29 अक्टूबर को आप लोगों के लिए ऑल इंडिया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट का आयोजन कराया जा रहा है संडे को सुबह 11 बजे। तो आप सभी इस टेस्ट से भी जरूर जुड़िएगा, ठीक है। आज का सेशन यहाँ तक ही रखते हैं और आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट करके बताना है कि सेशन आप लोगों को कैसा रहा, क्योंकि आप लोगों को हमारा भी मोटिवेशन बढ़ाना है तभी ये सीरीज हम लोग आगे अपना कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। और लाइक करके तो जरूर ही बताना है कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। फिलहाल इस सेशन को यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। अपने सेशन के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है। इसके बाद 11 बजे हम लोग मॉक टेस्ट करते हैं जिसमें कि हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चंस को कवर करते हैं एंड देन लास्ट 7:45 PM ये हमारा 10 मिनट शो है, ठीक है। 10 मिनट शो, ठीक है। तो इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे एंड आई एम श्योर कि दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल में हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। ओके, इनोसेंट ऑफलाइन कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए इस क्लास को यहाँ तक ही रखते हैं, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद जय भारत। जी बिल्कुल, अभी 8 PM हाँ बिल्कुल बात कर लेते हैं यहाँ पे। अभी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाएंगे, जो कि अपनी क्लास चल रही है, क्लास के डिस्क्रिप्शन में आप लोग यहाँ पर जाएंगे तो आप लोगों को मेरी क्लास का लिंक मिल जाएगा अनअकैडमी एप्लीकेशन का, जो की है फॉलो सोलम कैगी ऑन अनअकैडमी एंड यहाँ पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। अभी 8 PM अपनी क्लास है, जा रहे हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए। सो मिलेगा वहीं पर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। राधा कृष्ण ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद जय भारत।